लो जी हो जाओ तैयार, क्योंकि नेक्स्ट एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ आने वाला है। बस कुछ ही टाइम में आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी इस बार का कट ऑफ क्या गया है। लास्ट टाइम का कट ऑफ था 491। ठीक है, सबको लग रहा था जब इन्होंने स्टार्ट किया था 557 से कि हाँ यार बहुत जल्दी 450 के आसपास आ जाएगा, बट जिस हिसाब से शॉकिंग ड्रॉज आ रहे हैं तो सबको अब डर लगने लग गया यार क्या होगा क्या होगा। जो स्पेशली जो 430 460 के रेंज में आ रहे हैं ना, इस रेंज में, तो उनके लिए पता नहीं कब उनका नंबर आएगा, कब पीआर की इनविटेशन टू अप्लाई आईटी उनके पास कब पहुंचेगा। तो लास्ट टाइम भी गाइस हमने प्रेडिक्शन की थी कि हाँ जी इस बार का स्कोर इतना आएगा। मैंने 492 के आसपास कहा था, 491 आया था। ठीक है, उसके पहले जो आया था वो 494 था, उससे पहले जो आया था 496 था, उससे पहले जो आया था वो था 500। ठीक है, तो गाइस आप सोच समझ सकते हो कि हाँ जी 500 से 491 आने तक ही इनको कितना टाइम लगा। तो जिनका स्कोर 430 450 के आसपास बना या उससे नीचे भी है तो भाई बहुत टाइम लगने वाला है। इससे अच्छा तो आप कोई तैयारी कर लो, आइल्स के लिए दोबारा प्रिपेयर कर लो, अदरवाइज गोना टेक सो लॉन्ग। ठीक है, अगर आपको इतना टाइम है तो ठीक है, अदरवाइज गाइज यू नीड टू थिंक अबाउट इट। अगर मैं इस ड्रॉ की बात करूं गाइज, तो मुझे जो लगता है मेरी प्रेडिक्शन जो है 487। ठीक है जी, देखते हैं, कर लो तैयारी, इस बार है 487 वाले दीवारी। ठीक है दो जी, मैंने अपनी प्रेडिक्शन कर दी है, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि हाँ जी आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, एक्सपेक्ट मींस आप क्या सोच रहे हो कि हाँ जी कितना स्कोर आएगा इस टाइम। ठीक है, तो 487 अगर आ गया उसके आसपास जिसका भी स्कोर बढ़ रहा है, अगर किसी का 490 है तो वो तो फोर श्योर आ ही जाएगा इस बार। ठीक है, 489 मुझे लगता है आ जाना चाहिए, 488 आ जाना चाहिए, 487 लेट्स सी, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग सी कि हाँ इस बार का ड्रॉ कितना जाता है, क्योंकि 496 आया था उसके बाद 494 आया था। ठीक है, सिर्फ 2 पॉइंट उन्होंने कम किए थे, उसके बाद 494 के बाद 491, 3 पॉइंट। इस बार बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये चेक करना, वो हमें थोड़े टाइम में पता चल जाएगा कि हाँ जी कितना स्कोर आया। इसलिए मैं कहता हूँ गाइस चैनल के साथ बने रहो, मैं उस टाइम पे भी आपको बताऊंगा कि हाँ स्कोर इस बार क्या गया है और कितनी एप्लीकेशंस कितने इन्विटेशन इन्होंने इशू किए इस बार। ठीक है, एंड जिनका नंबर नहीं भी आएगा गाइस, मुझे लगता है पर्सनली जिसका तो स्कोर बन रहा है जी 480 के आसपास, वो तो फिर भी चलो दे आर सपोज्ड टू वेट, उनको कोई ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 नेक्स्ट ड्रॉ में उनका नंबर आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जिसका स्कोर जी 460 उससे नीचे 450 440 430 420 के आसपास बन रहा है, मुझे लगता है गाइस फिर वो हो जाएगा कि हाँ जी वेट करते रहो करते रहो करते रहो। अगर तो आपके पास जी बहुत ज़्यादा टाइम, आपको कोई जल्दी नहीं है पीआर वगैरह के लिए तो ठीक है, अदरवाइज गाइस कोई फायदा नहीं है। फिर आप मेरे हिसाब से मैं जो सजेस्ट करूंगा, आईएलटीएस के लिए प्रिपेयर करो। अगर आपके लिसनिंग में 7 आए हैं, 7.5, 8, 8.5 के लिए प्लान करो। अगर ऑलरेडी आपके लिसनिंग में, मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक पर्टिकुलर मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, अगर मान लो आप किसी मॉड्यूल में आपके 7 आए हैं तो 7.5, 8, 8.5, 9 के लिए ट्राई करो। अपना स्कोर जितना अच्छा कर सकते हो आईएलटीएस के लिए उतना अच्छा लेके आओ गाइस, ताकि क्योंकि गाइस थोड़ी सी कई बार 0.5 जैसे लिस्टिंग की बात करूँ 7.5 और 8 में अगर है उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा फिर आपका। ठीक है ना, तो गाइस यू नीड टू थिंक अबाउट इट, अपना कैलकुलेट करो। मैंने और बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है कि आपने अपना सीआरएस कैसे कैलकुलेट करना है, आप खुद भी कर सकते हो। अपना स्कोर आज का स्कोर जो करंट स्कोर है आपका वो देखो, और अगर आप दोबारा प्लान करते हो कि हाँ जी इतना स्कोर मुझे चाहिए तो मेरा स्कोर इतना बन जाएगा, वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करके देखो गाइज, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हाँ जी अगर मुझे 480 चाहिए विद दिस एजुकेशन विद दिस साल स्कोर विद दिस जॉब एक्सपीरियंस तो मेरा स्कोर कितना बनेगा। तो आपको गाइज फुल क्लैरिटी आ जाएगी और आपको बहुत 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 फायदा हो जाएगा, रेदर देन थिंकिंग कि हाँ यार वेट कर लेते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई बात नहीं यार, आज के लिए दोबारा तैयारी कर लो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि गाइज ये मौके फिर बार बार नहीं मिलेंगे, पता नहीं फिर फ्यूचर में क्या होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं जी ड्रॉ आ जाएगा स्टूडेंट के लिए अलग हो जाएगा ये हो जाएगा, गाइज वो सारी वो है ना कि होता है वो चल हवा में बातें चल रही है, हो सकता है आ जाए, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो सकता है ना भी आए। ठीक है, तो जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड, आपको मुझे लगता है अपना प्लान करना चाहिए ताकि आपको फायदा हो एंड आपको आईटीए जल्दी से जल्दी आ जाए। ठीक है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड गाइज अगेन चैनल के साथ बने रहो जुड़े रहो, क्योंकि गाइज हम इस चैनल पे यही चीजें डिस्कस करते हैं कि हाँ जी
कैनेडा में लाइफ कैसी है, इमिग्रेशन का प्रोसेस कैसे कैसे करना है, स्टडी एक्सटेंशन, स्टडी वीजा, वर्क परमिट, वो सारी चीज़ें गाइस हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं। सेम टाइम हम कैसे फन एक्टिविटीज़ करते हैं और ट्रैवलिंग की भी वीडियोस मैं डालता रहता हूँ। इसीलिए गाइस आप चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहो, क्योंकि It's like a package. So guys, thank you so much for watching my channel, for watching my videos, and like comment share karte raho, support karte raho, subscribe bhi kar dena, notification us pe ghanti pe bhi click kar dena, taki aapke paas jaise hi main kuch upload karu naya aapke paas jaldi se jaldi pahunch jaye. I'll see you next time with another topic, another discussion. Till then, stay safe, stay calm. एंड जिनका स्कोर 487, 488, 489, 490 के आसपास बन रहा है, 490 तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका नंबर तो मुझे लगता है आ ही जाएगा राइट। 489 मुझे लगता है आपको आ जाना चाहिए, आ ही जाएगा। 488 अगेन, तो गाइस कर लो तैयारी, इस बार 487 वाले दिवाली, लेट्स सी मेरी प्रोडिक्शन कितनी सही जाती है। एट द सेम टाइम गाइस आप भी अपना स्कोर प्रोडिक्ट करो, लेट्स सी कौन सही होता है कौन गलत, एंड देखते हैं गाइस मैं वो भी वीडियो डालूंगा कि इस बार कितना स्कोर आया है। एंड अपनी फुल तैयारी रखो गाइस, जिसका स्कोर नहीं भी आता इस बार ड्रॉ में तो कोई बात नहीं, वेट करते रहो, मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए आप क्या क्या कर सकते हो। तैयारी रखो गाइस, पूरी जान लगा दो इस चीज के लिए, फुल डिटर्मिनेशन, फुल डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए। पिया लेना इज अ बिग थिंग राइट। एट द सेम टाइम गाइस वो ऐसे नहीं कि ऐसी मिल जाएगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे एंड अवेयरनेस लेके आनी पड़ेगी। हाँ जी, आप चीज कैसे कर सकते हो, ये चीज कैसे कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जी एक बार आज दे दिया इतना स्कोर है वेट कर लो जी कोई दिक्कत नहीं, वो गाइस भी कुछ और चीज बन जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं करना हमने। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय।